Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening. Okay, this is your social science teacher. Okay, today I'm going to cover this last topic. This is the last topic of the French Revolution, a directory uh, rules France. Okay, uh, so today we are going to cover this topic, this complete, this last topic. Okay, but before starting this, I just want to tell you one thing that uh, if you Hadn't subscribed this channel, you must subscribe this channel. Uh, as I'm giving you all videos through WhatsApp group by my this own YouTube channel, but uh, you have to subscribe and uh, press the bell icon because I, I'm uploading new videos uh, related to your subject. And uh, so, uh, if you have subscribed then uh, you will be notified whenever i will upload new videos for that you have to most subscribe and press the bell icon okay so now today uh, i'm going to start this uh, topic directory rules france and uh, if you would have any questions any queries any suggestion uh, you have to raise them you have to write your suggestion queries uh, below comment section in this video below comment section just share your सजेशन क्वेश्चन क्वेरीज एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी थ्रू दिस कमेंट बॉक्स ओके सो इन द लास्ट वीडियो योर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टडीड अबाउट दैट जैकोबिन क्लब के बारे में हमने पढ़ लिया था ओके okay. इसके बाद है रेन ऑफ टेरर हम देख चुके थे कि जैकोबिन क्लब में जो मैक्सीमिलन रॉब जो था उसने किस तरह से फ्रांस uh, की कमांड अपने हाथ में ली बट उसने वहाँ पर इक्वेलिटी लाने की कोशिश की कुछ बदलाव किए इक्वेलिटी ब्रेड के थ्रू जैसे और पनिशमेंट एग्जीक्यूट करना एक जो क्यूलोटाइन किया जाता था, था ये सब कुछ आपको बताया था ये मैक्म रेवोस पेरे के अंडर में हुआ तो उसने सम समलिटी लाने की कोशिश तो की लेकिन बट दैट वॉज फोर्सफुली वो क्या था फोर्सफुली था लोग उससे सेटिस्फाई नहीं थे और लास्ट में क्या हुआ लोगों ने कोर्ट ने उसको ही एक्जिक्यूट कर दिया उसको ही ग्लोटाइन कर दिया अब दोबारा से क्या हो गया Now the seat was vacant in France. अब दोबारा से जो सीट थी वो क्या थी थी एक पर बन गया। so, fall of Jacobin Club. अब जब जो उसको थीटाइन यानी कर दिया गया तो जैकोबिन क्लब क्या हो गया खत्म हो गया ओके जैकोबिन क्लब फ्रांस से चला गया जैकोबिन क्लब में कौन थे आपको याद होगा मैंने बताया था इसमें सबसे लोअर स्टेटस जो, जो सबसे लोअर स्टेटस जो था जो सबसे लोअर क्लास पीपल थे वो लोगों ने जैकोबिन क्लब को फॉर्म किया था जैसे कोबलर कुक लेबर ऐसे लोअर क्लास पीपल थे ओके तो जब दोबारा से जैकोबिन क्लब के बाद यहां से जाने के बाद अब क्या हुआ दोबारा से वेल्दियर मिडिल क्लास एक्वायर्ड पावर पावर किसके हाथ में आ गई यानी कि जो सीट जो वॉक्यू वैक्यूम यहाँ पर बना हुआ था वो पावर किसके हाथ में आ गई वो आ जाती है मिडिल क्लास के हाथ में वेल्दियर मिडिल क्लास ये भी थर्ड स्टेट है ये भी थर्ड स्टेट है बट ये आपको पता है कि जो एमर्ज हुआ था मिडिल क्लास वो कैसे हुआ था ओवरसीज बिजनेस के थ्रू ही इन लोगों ने power अपने पावर अपने हाथ में ले ली इन्होंने क्या किया इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया दोबारा से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अब इन्होंने इसमें एक बदलाव किया डिनाइड वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन अभी जैकोबिन क्लब ने क्या किया था इससे पहले आपको पता है एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन्स का सिस्टम था ओके एक्टिव सिटीजन कौन थे जो क्या थे ट्वेंटी फाइव ईयर्स और एबव जो क्या थे एक टैक्स जो पे करते थे कम से कम इतना टैक्स जितना कि एक लेबर के थ्री डेज़ का वेजेस के बराबर टैक्स पे करने वाला एक्टिव थे पैसिव थे वो मैन थे केवल ओके okay? और इसमें वोटिंग का राइट right उनको था ओके okay, इन्होंने क्या किया था सारे ट्वेंटी वन ईयर्स से जो ऊपर के थे सभी को चाहे प्रॉपर्टीड है या नहीं है प्रॉपर्टी है या नहीं है सबको दे दिया इन्होंने दोबारा से उसको चेंज कर दिया कि दोबारा से सिर्फ उसी को वोटिंग राइट दे दिया जिनके पास प्रॉपर्टी है इसने इन्होंने यहाँ पर चेंज किसने ने मिडिल क्लास ने ये कर दिया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना करके इन्होंने क्या किया इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल इन्होंने एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई दोबारा से ओके मींस इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है जो आपको पिछली बार पावर सेपरेशन सेपरेशन ऑफ पावर बताया था ना ओके ये आपको मैंने पूछा भी था कि ये किसके द्वारा दिया गया है फर्स्ट आइडिया कौन से फ्लोसफर थे जिन्होंने ये आइडिया फर्स्ट दिया इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे ओके तो क्या दिया था लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी पावर को से डिवाइड uh, करना पावर को क्या करना डिवाइड यहाँ पर नेशनल असेंबली थी एग्जीक्यूटिव में किंग और उसके साथ कुछ मिनिस्टर्स और ज्यूटेरे किंग को वीटो पावर थी ओके okay. अभी जो यहाँ पर जैकोबिन क्लब आया उसने क्या किया नेशनल असेंबली तो थी ही जैकोबिन क्लब का जो रॉबर मैक्मले रॉबर्स पेरे था वो इस पावर पे यहाँ पर आया ओके okay. कहाँ पर आया क्योंकि उसने रिपब्लिक फॉर्म ला दिया था तो यहाँ पर उसके पावर में लेकिन नेशनल लेजिस्लेटिव पार्ट तो अभी भी था ये आज भी हमारे कंट्री में हमारे देश में इंडिया में अगर हम अभी तो ये तो फ्रांस का है लेकिन आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज़ में ये सिस्टम चल रहा है पावर ये लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी ओके एग्जीक्यूटिव में जो आपको मैंने बता दिया था तो अब इसने यहाँ पर क्या किया इन्होंने यहाँ पर चेंजिंग ये किया कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गया और यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव पार्ट में था यहाँ पर इन्होंने क्या किया एक डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव में पहले कौन था मैक्सिमिलियन रॉबर्स पेरे को रखा गया मैंने इनकी जो पावर जो लीडर होगा उसको रखा जाता है इन्होंने इसकी जगह डायरेक्टरी को फॉर्म किया इन्होंने डायरेक्टरी क्या है ये है डायरेक्टरी ओके एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ फाइव मेंबर्स एक एग्जीक्यूटिव बॉडी डायरेक्टरी जिसमें फाइव मेंबर्स से बनी हुई ओके okay? इन्होंने क्या किया अब जहां वहां पर एक व्यक्ति नहीं बल्कि फाइव मेंबर्स को रखा क्यों बिकॉज लेसन लर्न फ्रॉम वन मैन एग्जीक्यूटिव अंडर जैकोबिन्स जैकोबिन्स के अंडर में उन्होंने देखा कि किस तरह से मैक्मिल रॉबर्सेरे जो था वो क्या बन गया था एब्सोल्यूट रूलर बन गया था यानी निरंकुश बिल्कुल अपनी मन मर्जी क्योंकि उनको लगा कि एक व्यक्ति होगा तो वो किसी की बात नहीं मानेगा अब एब्सोल्यूट बन जाएगा अपनी मन मर्जी वो एगा इसलिए उन्होंने उसके जगह फाइव मेंबर्स की डायरेक्टरी को रख दिया और लेजिस्लेटिव पा ये तीनों सेपरेशन अभी भी है लेकिन ये चेंजेस कर दिया ओके okay, लेकिन ये भी टाइम ये भी जो सब कुछ था बहुत लंबे टाइम तक ये नहीं चल पाया बिकॉज क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्टरी एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और एग्जीक्यूटिव में जो डायरेक्टरी थी इनके बीच में आपस में क्या होता था कॉन्फ्लिक्ट होता था क्योंकि एग्जीक्यूटिव कुछ करना चाहते थे लेजिस्लेटिव कुछ और करवाना चाहते थे इनके आपस में तालमेल नहीं बनता था ओके जिसके कारण ये डायरेक्टरी को बार बार चेंज कर दिया करते थे और जितने भी लोग यहाँ पर आते उनके साथ वही प्रॉब्लम होती कि उनको इनकी बात माननी होती और हो सक वो उनकी बात नहीं मानते तो ऐसे ही चलता रहा इससे क्या हुआ वहाँ पर एक आ, जो और इसका रिजल्ट जो था वो था पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी कि ये भी फेल हो गया सिस्टम और एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई यानी कि दोबारा से वही सीट वैकेंट होना सीट वैकेंट हो गई और ये इसका फ़ायदा किसने उठाया एक मिलिट्री जनरल जो यहाँ पर लास्ट में एक मिलिट्री जनरल ने इसका फायदा उठाया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री जनरल जिसने इसका फ़ायदा उठाया और उसने पूरे फ्रांस की पावर अपने हाथ में ले ली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है पढ़ना नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ये क्या था एक डिक्टेटर था डिक्टेटरशिप इसने दोबारा से इस चीज़ को ख़त्म इसका फ़ायदा उठा कर वहाँ पर क्या लिया है डिक्टेटरशिप वही वन मैन रूल करना वन मैन आर्मी वाला सिस्टम है ना वन मैन कि कभी एक ही आदमी रूल कर रहा है तो ये डिक्टेटरशिप लेकर कर आए इसको पूरा यूरोप जानता है पूरा यूरोप क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस व्यक्ति है नेपोलियन बोनापार्ट इसके बारे में आप अपनी बुक में जरूर पढ़ेंगे ओके सो इसी के साथ जो हमारी स्टोरी थी ये पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो जाती है जो आपको बताया था जो एक इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था सेवनटीन एटी नाइन जुलाई सेवनटीन से इसका लास्ट आपको बताया था कि 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट आने तक ये स्टोरी थी इसके साथ के कुछ अलग से टॉपिक भी इसमें दिए गए जैसे वुमेन के बारे में दिया गया है और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी है और स्लेबरी के बारे में दिया गया बट इसके साथ आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है ओके तो आपने इसमें दोबारा से आ, इसमें आपने क्या करना है अपने मुझे बताना है कि आपके जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूरा चैप्टर क्योंकि ख़त्म हो चुका है तो कोई कोई क्वेश्चंस कुछ भी आपके जो भी चीज़ें हैं आप आ, अपने उन क्वेश्चंस को इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं उसको वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा या कोई भी टॉपिक जो आपको चीज़ इसमें समझ में नहीं उसको मैं आपको समझा दूँगा ओके थैंक यू